हे गाइस, मेरा नाम क्षितिज है। आज मैं लाया हूँ उरांजी की VL49 RGB लाइट। तो ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। अब इसको करते हैं हम अनबॉक्स और बताता हूँ इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर आती है एक लाइट और एक यूज़र मैनुअल और सिलिका जेल। सिलिका जेल को साइड में रखते हैं और यूज़र मैनुअल मैं देख चुका हूँ, तो आपको ऐसे ही बताता हूँ। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। पीछे इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले है जो अभी बताता हूँ किस काम आएगा। और हाँ, ये चार्ज होती है टाइप सी से, चार्जेबल लाइट है। लेफ्ट राइट करने के लिए मेन्यू में और मेन्यू बटन और ऑन ऑफ स्विच। इसमें उरांजी की ब्रांडिंग है। ये उरांजी के हैंडहेल्ड ट्राइपॉड में भी लग जाती है, उसका भी रिव्यू डालूंगा मैं। और ये आप अपने कैमरा में भी अटैच कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। तो हाँ, यहाँ से होती है ये ऑन, और ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें कि आप देख सकते हो कितनी ब्राइट है ये। मेन्यू बटन पे एक बार क्लिक करने से ये टेम्परेचर और ब्राइटनेस के बीच में स्विच करती है। तो हाँ, 9000 तक जाता है ये, जिसमें कि ये पूरी वाइट हो जाती है और आप ब्राइटनेस देख सकते हो। मेरे से ये 1 मीटर दूर है और इतनी ब्राइटनेस दे पा रही है ये। टेम्परेचर पूरा लेफ्ट साइड करने पर ये हो जाती है वार्म। तो अगर मान लीजिए धीरे धीरे स्विच कर रहा हूँ, तो इसका कलर हल्का हल्का येलो हो रहा है। 2500K पर होते ही ये येलोइश कलर हो जाता है और ब्राइटनेस 100% पर कुछ ऐसी दिखती है ये। तो मेन्यू बटन पर क्लिक करने पर ये अब RGB मोड में आ गई है, जिसमें कि ब्राइटनेस 90% है। तो मैं इसे 100% कर देता हूँ। और कलर इसका चेंज करने के लिए फिर से मैं मेन्यू बटन पर क्लिक करूँगा। और अब डिग्रीज दिखा हुआ है, तो वो ग्रेडियंट की डिग्रीज होती है। अगर मैं इसे होल्ड करके रखूँगा तो अलग अलग कलर स्विच होगा। अभी ये येलो है और अब ये रेड हो रही है, फिर ये पिंक हो गई, और ऐसी अलग अलग कलर पर स्विच करती रहती है। ज़्यादा अच्छे से आपको ब्राइटनेस कम करने पर दिखेगा। जैसे 70% ब्राइटनेस पर मैं आपको अलग अलग कलर्स दिखाता हूँ इसमें। तो अभी ये ब्लू हो गया है, और अब ये स्विच हो रहा है ग्रीन की तरफ, और अब ये ग्रीन हो चुका है, और अब ये स्विच होगा रेड की तरफ, मतलब येलो, फिर रेड, फिर रेड होते ही अब ये पिंक पे पहुंच जाएगा। तो RGB के सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, ज़्यादातर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं RGB के। और इसमें अलग अलग मोड भी आते हैं। मेन्यू बटन पर होल्ड करके रखने पर ये अलग अलग मोड पर चले जाता है। अभी ये इमरजेंसी मोड पर है, तो ये वार्म वाइट कलर से फ्लैश करता है। नेक्स्ट करते हैं, तो आता है फायरवर्क्स, जिसमें अलग अलग कलर्स जल्दी जल्दी स्विच होते हैं। नेक्स्ट मोड है TV मोड, जिससे आप अपने फेस पर स्पॉटलाइट की तरह यूज़ कर सकते हो कैमरा या रिकॉर्डिंग करते टाइम। ये आपके काफ़ी काम आएगा TV मोड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और फेस पर काफ़ी अच्छी से लाइट मार देता है ये। नेक्स्ट मोड है इसका पार्टी मोड, तो इसमें ये अलग अलग कलर पर धीरे धीरे स्विच करता है। HSI स्लो मोड इज बेसिकली ब्रीदिंग मोड, तो ये धीरे धीरे ब्रीद करता है अलग अलग कलर्स में। जैसे कि अभी ये पर्पल से धीरे धीरे रेड की साइड शिफ्ट हो रहा है, और ये रेड हो गया है, और अब येलो हो चुका है। HSI फास्ट में ये ब्रीदिंग की स्पीड जल्दी हो जाएगी। तो अब ये ब्लू हो चुका है, अब पिंक हो चुका है, ऐसे चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट मोड है RGB स्ट्रोब, जिसमें ये अलग अलग कलर पे स्ट्रोब करता है। और ये अब आ गया है रेड फ्लैश, जिसमें रेड कलर से फ्लैश करेगा, ग्रीन फ्लैश, जिसमें ग्रीन से फ्लैश करेगा, और ब्लू फ्लैश, जिसमें ब्लू से फ्लैश करेगा। फिर आता है कॉप कार मोड, जो पुलिस की कार के लिए होता है। अब जानते हो रेड और ब्लू के बीच में स्विच करते रहेगा ये थोड़े ब्लिंक करते हुए। नेक्स्ट मोड है एम्बुलेंस, जो वाइट और ब्लू के बीच में स्विच करेगा। नेक्स्ट मोड है फायर इंजन, जो रेड और वाइट के बीच में स्विच करेगा। तो वीडियो बनाने के पर्पस से काफ़ी अच्छी लाइट है, और मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ इसे। और हाँ, ये कैमरा और ट्राईपॉड में भी लग जाती है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे। तो इसकी प्राइसिंग अंडर 2000 होती है RGB वेरियंट के लिए, और शायद इसकी एक बिना RGB की भी आती है जो सस्ती पड़ती है। तो आपका जो भी यूज़ केस है, आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा इसे, क्योंकि काफ़ी ये क्वालिटी प्रोडक्ट है और अपने पर्पस को अच्छे से सर्व करता है, क्योंकि काफ़ी ब्राइट भी है ये। थैंक यू गाइज, अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना। बाकी टेक केयर।